हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो मोबाइल से व्लॉगिंग करते हैं या फिर मोबाइल से व्लॉगिंग करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, मैं भी मोबाइल से व्लॉगिंग करता हूँ और जो मेरी साउंड है वो मेरे मोबाइल से कैप्चर होती है, और जो मेरे आपने प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे उन सभी में एक्सटर्नल साउंड है जो वो काफ़ी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से मैंने अभी एक ग्रेनारो का ब्लूटूथ माइक जो हम एंड्रॉयड और iOS दोनों में यूज़ कर सकते हैं वो मैंने अभी ऑर्डर करा है, तो वो अभी आज मुझे मिला है। तो इसकी टेस्टिंग करेंगे और हम आपको इंडोर और आउटडोर दोनों की हम आपको वॉइस ओवर दिखाएंगे। तो हम पहले करेंगे इसकी टेस्टिंग और फिर हम आपको देंगे इसका रिव्यू। और अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जा करके आप इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं। ये इसका केस है और इसके अंदर दो माइक हैं और एक इसका रिसीवर है। केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसके साथ में तीन अलग से पिन आई हैं, जिसमें दो सी टाइप की पिन है जो हमारे 3.5 जैक के साथ कनेक्ट होती हैं और एक आईफोन के साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में एक चार्जिंग वायर है जिसमें दो सी टाइप पोर्ट हैं, ये दोनों एक साथ हम चार्ज कर सकते हैं हमारे मोबाइल को भी और हमारे केस को भी। और एक इसके साथ में वारंटी कार्ड है जिसमें हमें ग्रेनारो की तरफ से 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जिससे हमें 30 दिन के अंदर इनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे अपना बिल सेंड करना पड़ता है और उसके बाद हमारी 1 ईयर की वारंटी इनेबल हो जाती है वहाँ से। ठीक है, और बस इतना ही है इसके केस में कि यूज़र मैनुअल है। वैसे तो देखने से क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है हमें केस की और बाकी सब चीज़ों की। तो भी माइक को टेस्ट करते हैं और सबसे पहले हम इंडोर में टेस्ट करेंगे और उसके बाद में आउटडोर में अलग से टेस्ट करके हम आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इंडोर की टेस्टिंग करते हैं और अब जो आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही होगी वो मेरे डायरेक्टली मेरे मोबाइल के माइक्रोफोन से आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो अब मैं जो माइक का रिसीवर है वो मेरे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ और माइक को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने अपना रिसीवर मेरे मोबाइल के साथ में कनेक्ट कर लिया है और माइक को भी मैंने ऑन कर लिया है। तो अब जो आपको मेरी साउंड मिल पा रही होगी वो मेरे माइक के थ्रू आपको मिल पा रही होगी। आई होप आपको जो मेरी साउंड क्वालिटी है वो पहले से हल्की सी बेटर मिल रही होगी। और इस माइक के अंदर 3 लेवल ऑफ नॉइस रिडक्शन है, वो हम आपको आउटडोर में दिखाएंगे जहाँ पर आपको एक्सटर्नल साउंड भी सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं कि आउटसाइड में इसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आउटसाइड में और अब मेरी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं वो मेरे फ़ोन के थ्रू आपको आवाज़ मेरी मिल पा रही है। ठीक है, और अब मैं थोड़ा जाता हूँ पीछे की तरफ ताकि आपको पता चल सके कि जो हम फ़ोन से वीडियो कैप्चर करते हैं वो डिस्टेंस पर होने के बाद में कितनी साउंड कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, तो अब मैं तकरीबन 10 फीट के आसपास पीछे आ चुका हूँ और थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। अब आई थिंक आपको मेरी जो आवाज़ है वो पहले से कम सुन पा रहे होंगे। तो अब हम टेस्ट करते हैं सेम चीज़ें, अपने रिसीवर को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर और माइक को ऑन करते हैं और हम माइक के थ्रू एक सेम वीडियो कैप्चर करेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा जो माइक है वो कितनी दूर तक हमारी साउंड को अच्छे से कैप्चर कर पाता है, जो हमारी रिसीवर की कैपेसिटी है वो कितनी डिस्टेंस तक है, तो वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, अब हमने अपने माइक को ऑन कर लिया है और माइक के रिसीवर को हमने मोबाइल के अंदर इंसर्ट कर लिया है। तो अब जो आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है वो हमारे माइक के थ्रू आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही होगी। आई होप कि जो हमारी पहले साउंड आपने सुनी उससे थोड़ी सी बेटर साउंड आपको अब मिल रही होगी। तो अब हम थोड़ा सा अपने कैमरा से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि कितनी दूर तक हमारा जो रिसीवर है वो हमारी साउंड को कैप्चर कर पाता है। अब तकरीबन हम 15 फीट के आसपास हम पहुंच चुके हैं। आज बाहर थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है तो हो सकता है आपको थोड़ी हवा की आवाज़ भी हमारे माइक के अंदर सुनाई दे। तो हम थोड़ा सा और पीछे जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिसीवर है वो कहां तक हमारी साउंड को कैप्चर कर पाता है। अब हम जो हमारा डिस्टेंस है वो तकरीबन 15 मीटर से ज़्यादा हो चुका है, तो आई थिंक इतना इनफ है। तो अब हम थोड़ा सा पास जाने की कोशिश करते हैं
और देखते हैं कि हमारा जो रिसीवर है क्या वो कंटिन्यूसली हमारी आवाज़ को कैप्चर कर पा रहा है। अब हम हमारे जो कैमरा है उसके नज़दीक आ गए हैं, तो अब टेस्ट करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अभी आपने देखा तकरीबन 15 फीट तक हमारा जो रिसीवर है वो हमारी साउंड को अच्छे से कैप्चर कर पाता है। इस माइक के अंदर जो हमने आपको बताया था कि 3 लेवल ऑफ नॉइस रिडक्शन है, तो वो तीनों हम अब टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी आइडली जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइस रिडक्शन पर काम करता है, और अगर हम इस बटन को एक बार सिंगल प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉइस रिडक्शन पर चला जाता है। तो अब हम इसको प्रेस करते हैं, अब हम नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉइस रिडक्शन पर पहुँच चुके हैं, और जो आपको हमारी आवाज़ है या फिर एक्स्ट्रा साउंड है वो आपको पहले से थोड़ी सी कम सुनाई दे रही होगी। तो अब हम थोड़ी देर चुप रहेंगे और मॉनिटर करेंगे कि जो एक्स्ट्रा साउंड है वो कितनी कैप्चर कर पा रहा है। तो अब हम एक बार फिर से इसको प्रेस करते हैं और जो फाइनल लेवल ऑफ नॉइस रिडक्शन है वहां तक पहुंचेंगे। आई होप आपको अब जो एक्स्ट्रा साउंड है वो काफी कम सुनाई दे रही होगी, और हमारी जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको पहले से हल्की सी बेटर सुनाई दे रही होगी। थोड़ी देर हम चुप रहते हैं और देखते हैं कि बाहर की एक्स्ट्रा साउंड कितनी कैप्चर कर पाता है। आई होप आपको पहले से बेटर नॉइस मिली होगी। इस माइक के अंदर म्यूट करने का भी फीचर इस माइक के अंदर ही दिया गया है। अगर हम इस बटन को ड्यूअल टाइम प्रेस करते हैं तो हमारा जो माइक है वो ऑफ हो जाएगा। दोबारा डबल टाइम प्रेस करने के बाद ये हमारा जो माइक है वो अनम्यूट हो जाएगा, और अगर हम इस माइक के बटन को 3 टाइम प्रेस करते हैं तो हमारी जो साउंड है वो इको होने लगेगी। ऐसा फील होएगा कि कहीं हम किसी हॉल के अंदर हैं और जो हमारी साउंड है वो काफ़ी गूंजेगी। तो दोस्तों आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये माइक कैसे काम करता है और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। हमें पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये माइक, क्योंकि इस प्राइस के अंदर ऐसा माइक रेयरली मिलता है, और अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे या ऑफलाइन भी अगर आप कहीं पर जाकर लेंगे तो आपको, अगर आप इस लेवल के माइक लेंगे या फिर इसे बेटर थोड़े से माइक लेने की कोशिश करेंगे तो आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। तो हमें पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, और बाकी इसका बैटरी बैकअप कैसा है तो वो चीज़ें हमें इसके यूज़ करने के बाद ही पता चलेंगी। तो ऑल ओवर हमें ये माइक काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको इस माइक से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।